ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੋ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲੀ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਫਰਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਉਸਕੀ ਫਰਸਟ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਥਾ ਉਸਸੇ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿਸੇ अच्छा रोटी की कह रहे हो क्या हाँ। मतलब वो भाई चंडीगढ़ में वहां गए और वहां पे फिर से इंटरव्यू दे रहे तो वहां पे वही उन्होंने पूछा फर्स्ट मेमोरी क्या थी हाँ। तो वो फर्स्ट मेमोरी में अपनी मतलब पंजाब वाली भाभी में खो गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, एक और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं और मेरी कली कम दोस्त कशिश पांडे आपके साथ मौजूद है। हम एक और रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं और इस बार जो रिएक्शन वीडियोज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हटकर है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने वो देखे नहीं होंगे, देखे होंगे, लेकिन उन पर हमारा आफ्टर ऑल एडिट कौन करता है भाई, आप एल्विश लोग भी एडिट करते हैं ऑब्वियसली, एल्विश की फैंस, लेकिन हमारा रिएक्शन नहीं देखा होगा आपने उन वीडियोस पे। तो कशिश शुरू करें? यस, या फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, क्योंकि हमने लास्ट जो चैलेंज हमें दिया गया था 21 मिनट रिएक्शन वीडियो चैलेंज, वो हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। जहां मैंने कमेंट भी पढ़े उसके कमेंट में भी लोगों ने लिखा है कि हाँ वो वही था कि 21 मिनट चैलेंज करना है। तो हम एक बार फिर से एल्विश यादव की वायरल एडिट्स पर रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं, क्योंकि यार मुझे बड़ा मजा आता है रिएक्शन देने में। और मैं सिर्फ एल्विश आर्मी की नहीं, हमसे भाई जो बोलता है हम उसके बारे में एडिट वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे एल्विश आर्मी हमसे डिमांड करती है और हमें भी काफी अच्छा लगता है अपने रिएक्शन देने में। तो बिना किसी देरी के आज की पहली वीडियो हम प्ले कर देते हैं, वरना हम तो बोलते ही रहेंगे भाई। हाँ हाँ, वरना हमारे अगर एल्विश का ज्ञान शुरू हुआ तो एल्विश ज्ञान के चक्कर में रिएक्शंस रह जाएंगे। तो बहुत मतलब पूरी बुक तो नहीं कह सकते, आधी बुक तो हम लिख ही सकते हैं एल्विश पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरू करें। हाँ, आज की पहली वीडियो हम प्ले करते हैं। काजू का तलिया है इसमें तो सिर्फ, ये मेरे को कोई सुबह भी खिला रहा था। नहीं नहीं, सुबह आपने अलग, सो बेटी आने के बाद काजू कतली खिलाते। नहीं, मेरे को काजू कतली कोई अच्छा इसी के लिए खिला रहा था। ओके लो भाई, प्रिंस भाई आपको भी मुंह मीठा, हमें मुंह मीठा भाई ले लो। ओके, तो एल्विश चाचा बन गए, एल्विश यादव चाचा बन गए। नहीं मतलब उनका कोई रियल भाई के वो चाचा नहीं बने, लेकिन हैं। वो एल्विश यादव के में भाई चाचा टॉप चलता है। तो प्रिंस नरोला जैसे कि अभी फादर बने, उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई है, गुड़िया हुई है। तो वहाँ पे एल्विश यादव को उन्होंने काजू कतली भिजवाई है, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं चाचा बन गया हूँ। जिसके बाद उनके जो दोस्त है वो ये बोल रहे हैं, पराग नाम है उनके दोस्त का, वो बोल रहे हैं कि चाचा कुछ टाइम बाद वो बोलेगा चाचा विधायक बन गए हैं। तो कहीं एल्विश यादव पॉलिटिक्स में तो नहीं आ रहे, क्योंकि भाई हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनके जो साथ लोग रहते हैं उनको हमसे ज्यादा पता होगा, हो सकता तो है। फ्लो फ्लो में उन्होंने ये बोल दिया हो, आगे का प्लान एल्विश का हमारे पास आ गया हो कि एल्विश यादव आगे फ्यूचर में क्या पता हरियाणा के विधायक भी बन जाए। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, एल्विश कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट टू डू। मतलब एल्विश यादव का अगर हम लोग बस उन्होंने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो भाई वहां पे एल्विश यादव आपको 110% दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है एल्विश यादव के नाम का मतलब ही अनप्रेडिक्टेबल है, कि जिसको मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा ना। एल्विश यादव रोडीज में आपने कभी सोचा था कि जिसको रोस्ट किया वहां मौजूद हो जाएंगे? वो बिग बॉस, बिग बॉस में उन्होंने रोस्ट करा था, उन्होंने ये बोला था मैं कभी बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, बट वो बिग बॉस में गए और जीत के आए। अब रोडीज में एज अ गैंग लीडर जा रहे हैं, रोडीज को भी रोस्ट करा था, अब एज अ गैंग लीडर जा रहे हैं, जीत के आएंगे। बिल्कुल, प्लेग्राउंड जीत चुके हैं, प्लेग्राउंड के अभी रिसेंटली सीजन में है, ईसीएल का नंबर वन सीजन करा, वहां चैंपियन नंबर वन रहे। बिल्कुल, तो अब एल्विश यादव अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो I think you should join politics also. अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त लेकिन पॉलिटिक्स में जाके मुझे लगता है कि थोड़ा फिर वो टाइम नहीं हो पाएगा अपने दोस्तों के लिए, तो मत जा। खैर ये तो एल्विश यादव के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की तरफ। चाचा विधायक जरूर बनेंगे, लेकिन अब वो तो वक्त बताएगा चाचा विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यस बिल्कुल, जो सारे इकट्ठे होंगे हो किधर ही वाइब होंगी है। मैं जब पंजाबियों के साथ बैठता तो सिर्फ बंगाली में बात करते हैं। एल्विश यादव हमेशा रोस्टिंग के मूड में ही होते हैं, यहाँ पे भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी मतलब वो जैसे बिग हमने रोडीज में देखे, बाकी गैंग लीडर्स हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, प्रिंस है, नेहा धूपिया है, रणविजय हैं, तो ऑलमोस्ट सारे लोग पंजाबी बोलते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे पंजाबी चंडीगढ़ में ऑडिशन था तो वहां पे वो वही बोल रहे हैं कि मतलब कि आप सबके साथ बैठते तो कैसी बात करते हैं। तो एल्विश यादव भाई, एल्विश यादव
मतलब हैं, वो रोस्टिंग मूड में अपने रहते ही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जब हम साथ बैठते हैं तो हम सारे बंगाली में बात करते हैं। मतलब ये तो उन्होंने एक तरीके से रोस्टिंग मोड अपना दिखा दिया कि भाई। एंकर ने भी बाद में ये बोला कि मुझे पता था एल्विश यादव रोस्ट ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एल्विश यादव ने इसके बाद कहा था कि हाँ मैंने सब कुछ जितना मेरे दिमाग में था सबको मैंने बांट दिया, अब आपके में सिर्फ रोस्टिंग ही जाएगी। ओ मतलब ये तो एल्विश यादव का नेचर ही ऐसा है, वो कभी बात मन में नहीं रखते। रोस्टिंग और वन लाइनर्स होते हैं यार, इसीलिए तो वो एल्विश यादव कहलाते हैं, वही तो सबको पसंद आता है। ये तो है। अब बढ़ते नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की तरफ। अभी मैं सुन रहा था भाई, कोई एक बारी जीता है, कोई दो बारी जीता है, प्रिंस भाई अब चलो कोई नहीं, पर अब कोई दो बारी जीता है, कोई एक बारी जीता है और कोई रहने दो। मतलब प्रिंस को बोल रहे हैं कि प्रिंस भाई हमेशा वो फाइनल तक तो जाते हैं बट वो थोड़ा अपने किस्मत से हार जाते हैं, उनकी टीम नहीं जीत पाती है क्योंकि, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है जो प्रिंस की टीम में होते हैं वो दूसरे की टीम में जाके ही जीतते हैं। बिल्कुल ये तो है। हाँ लेकिन जीता वही इंसान है जो प्रिंस की टीम में होता है स्टार्टिंग से, तो भाई इसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंस जीतते नहीं, प्रिंस जीतते हैं। बिल्कुल प्रिंस के खिलाफ नहीं सुने के वो तो है, आफ्टर ऑल हम सपोर्ट ही भाई प्रिंस और एल्विश को कर रहे हैं रोडीज में, तो ठीक है इस ये सीजन एक बार फिर प्रिंस हार जाएंगे क्योंकि एल्विश जीत जाएंगे। आप सीधे सीधे बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। की फर्स्ट मेमोरी क्या है आपके दिमाग में? उसकी फर्स्ट मेमोरी ये है कि जब मैं मिला था उससे तो मजा आ गया था। किससे? अच्छा रोडीज की कह रहे हो क्या? मतलब वो भाई चंडीगढ़ में वहां गए और वहां पे फिर से इंटरव्यू दे रहे, तो वहां पे वही उन्होंने पूछा फर्स्ट मेमोरी क्या थी। हाँ। तो वो फर्स्ट मेमोरी में अपनी मतलब पंजाब वाली भाभी में खो गए कि उसके साथ फर्स्ट मेमोरी बहुत अच्छी थी, मजा आ गया था, फिर याद आया अच्छा रोडीज की बात हो रही है। मतलब वो एकदम से पंजाब वाली भाभी पे शिफ्ट हो गए। और इसमें एल्विश का रिएक्शन भी देखो यार, वो एकदम खो गए थे, मतलब की मतलब मुझे मजा आया, ये है वो है कि बहुत मजा आया, फिर अचानक से याद है अच्छा ये रोडीस की बात कर रहे होंगे यार, भाभी की बात क्यों करेंगे, भाभी की बात क्यों करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि वो सच में रोडीस तो भूल ही गए थे, एकदम से भाभी के ख्यालात में हो गए थे। एल्विश यादव अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हमें जरूर बताइएगा, भाभी की बात कर रहे थे तो कौन सी भाभी की बात कर रहे थे? हाँ आपने बोला और उन्होंने बता दिया भाई, क्या पता एल्विश आर्मी पूछेगी तो शायद बता भी देंगे। नहीं बताएंगे भाई, इतना पूछा सबने आज तक तो सिर्फ हमें नाम का एंड का लेटर उन्होंने अपने एक ब्लॉग में बताया था जो ए था, लेकिन अभी तक नाम अता पता किसी को कुछ नहीं पता। हाँ ये तो है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एल्विश भाई अभी आपने बिग बॉस विनर मुनावर को तो ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो। ये इसमें यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ये बोला है एल्विश से कि जैसे अभी आपने मुनव्वर को हराया, क्योंकि वो दोनों ही बिग बॉस के विनर्स हैं, हालांकि प्रिंस भी बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, और यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि आपने जैसे अभी मुनव्वर को हराया यहाँ पे अब प्रिंस को हराएंगे, तो वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन लास्ट में बोल देते हैं कहना तो मुश्किल है बट हाँ हराएंगे। बिल्कुल हराएंगे क्योंकि विनर तो एक रहेगा, भाईचारा अपनी अपनी एक तरफा है, लेकिन हार और जीत वो एक अलग किस्सा होता है, एक अलग वो होता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो अभिषेक मलहन वो भी उनके भाईचारे के में ही आते हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस में थे तो वो एक तरीके से उनके कॉम्पिटिटर भी तो थे। बिल्कुल कॉम्पिटिशन अलग होता है, भाईचारा अलग होता है, भाई जीतना तो लास्ट में एक ही को है। स्टार्टिंग से दोनों एक साथ खेले, अलायंस दोनों का एक साथ ही बने, ये तो हम चाहेंगे एज अ फैन ऑफ रोडीज, हम यही चाहेंगे कि दोनों स्टार्टिंग से अलायंस बना के खेले लेकिन लास्ट में एक कोई जीते। बिल्कुल कशिश, अगर मेरे को इससे भाईचारे से एक चीज और याद आई, आपको याद होगा जब एल्विश यादव ट्रॉफी जीते थे उन्होंने वो जो ट्रॉफी थी वो अभिषेक को डेडिकेट की थी, अभिषेक और मनीषा दोनों, अभिषेक और मनीषा दोनों को डेडिकेट की वजह से दी। हाँ क्योंकि उनके हिसाब से वो दोनों ही डिजर्विंग थे। और रही बात, कहीं ना कहीं उन दोनों को बहुत हर्ट हुआ था, और यहाँ तक कि अभिषेक ने तो उसमें बोला भी था कि मेरे अकॉर्डिंग जो वाइल्ड कार्ड आता है वो विनर नहीं, उसको मैं विनर ही नहीं मान सकता, बट ऐसा नहीं होता। वो मेथ जो था कि वाइल्ड कार्ड कभी विनर नहीं बन सकता वो भाई एल्विश यादव ने तोड़ दिया, अब तो वाइल्ड कार्ड भी विनर बन सकता है अगर एल्विश यादव जैसा हो। बिल्कुल। और कशिश मेरे को नहीं लगता कि वाइल्ड कार्ड सीजन में हमने देखा था अदनान भी आए थे वाइल्ड कार्ड बट वो एक हफ्ता भी नहीं वो तो है,
पर वो जो लेकिन 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 इस सीजन में जब एल्विश यादव आए थे लव कटारिया को सपोर्ट करने, तो आपने देखा होगा कि फैजू और एल्विश यादव के बीच में जो तू मैं और जो टकरार थी उसमें एल्विश यादव ने किस तरीके से रोस्ट किया था अदनान को, मतलब अदनान को तो बाद में करा था लेकिन स्टेज पे फैजू को ही कर दिया था, बिल्कुल मतलब वो अपने वन लाइनर से बार बार फैजू का मूवन करवा दे रहे थे। फैजू उसमें उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना, क्योंकि हाँ सबका काम अलग है लेकिन वहां पे एल्विश यादव सिस्टम सिर्फ एक ही हैंग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, लास्ट रिएक्शन वीडियो कैसा होने वाला है कशिश, कोई आइडिया है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि सारी वीडियो जिसके पास होती है अचानक से प्ले करती है और मुझे तभी देखने को मिलता है कि आखिर वीडियो में क्या है, लेकिन मैं होप यही करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग ही वीडियो होगी और कुछ अलग ही वीडियो होगी और एल्विश की ही वीडियो होगी। वो तो ऑब्वियस ही बात है यार, एल्विश की होगी और किसकी होगी, ये तो अब है। हम बिना किसी देर के पहले प्ले कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिर क्या है वीडियो। बिल्कुल। आप मुझे चैलेंज करने आए हो? हाँ ऑब्वियसली। क्या चैलेंज करना मुझे? 1001 हिमांशु भी गुजर गए आगे से। बिल्कुल। पहले बोल दूं मैं कि अगर जो आपकी टीम में है करने को तो मैं उनको भी कर देता, पर इवेंचुअली वो भी बेचारे जीतेंगे, तो अगर जीतेंगे शायद आपकी वोटिंग से ही, तो उनको मैं क्या चैलेंज करता। हजार हिमांशु गुजर गए हमारे आगे से, हमारे क्या होता है ना एल्विश भाई की हजार गुजर गएंगे पर ये वाला हिमांशु नहीं गुजरा होगा, तो एक और हिमांशु सही 1001 ऐड करो। ओह माय गॉड, उन्होंने ये आते ही चैलेंज दिया हिमांशु ने एल्विश यादव को, लास्ट सीजन में भी आए थे, इस सीजन में फिर आए और उन्होंने एल्विश यादव को जो है चैलेंज दिया कि मैं आपको चैलेंज करने आया हूँ क्योंकि आपकी टीम जो है वो जीतेगी एट द एंड आपके वोट से, भाई किसी की भी उससे जीतेगी तो एल्विश यादव की टीम ही ना। फिर उसके बाद वो उसमें भी इविक्ट हो गए भाई, कुछ ज्यादा दिन वाइल्ड कार्ड जो है टिक नहीं पाया यहाँ पे भी। फिर उसके बाद वो अब उर्फी जावेद की टीम में आए हैं और वाइल्ड कार्ड आए हैं लेकिन घर वालों ने इनकी बैंड बजा रखी है, अभी भी वाइल्ड कार्ड का तो कुछ वो लग ही नहीं रहा कि भाई ये वाइल्ड कार्ड। बिल्कुल, मतलब वो वाइल्ड कार्ड का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना एक अलग ही इमेज बनाने आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने कोशिश देखा उनका जो रिलेशनशिप यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो शोभिका के साथ, वो इतना टॉक्सिक दिखाया जा रहा है, इतना टॉक्सिक मुझे नहीं पता वो कैसे एक दूसरे को झेलते हैं भाई। मतलब यहाँ पे अब वो गेमिंग उससे छोड़ के ऐसा लग रहा है स्प्लिट्स विला चल रहा है घर के अंदर। बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है और वो दोनों ऐसा लग रहा है स्प्लिट्स विला ही चला रहे हैं, हो सकता अपना रिलेशनशिप वो कर रहे हैं, अपना स्टेटस दिखा रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, बस यही चल रहा और कुछ नहीं चल रहा, गेम वो भूल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी जो है वाइल्ड कार्ड एक ही उस शो में उनका तीसरी बार एंट्री है, ये एक बार नहीं हो रही, हम लोग एक बार कम बैक नहीं कर पा रहे हैं और वो तीन तीन बार कम बैक कर रहे हो। माई गॉड हिमांशु, व्हाट आर यू डूइंग इन द शो। खैर ये तो वो खुद जानते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव ने ठीक बैंड बजा रखी है हिमांशु की देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ये तो हम लोगों के रिएक्शंस वीडियोस के ऊपर ओपिनियंस हैं, बहुत सारी चीजें आपकी इन रिएक्शंस वीडियो को लेकर अपने क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं और हम कैसे बनाएं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लीडिंग भारत टीवी।